कामयाब हो गए। आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में देखते हैं। कल पहला पार्ट का वीडियो हम बना चुके थे जिसमें सेल का खोज किसने किया, लिविंग सेल का खोज किसने किया, दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ह्यूमन बींग्स में बड़ा सेल, छोटा सेल और लंबा सेल के बारे में हमने, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। कल वापस आना पड़ता है। इसके बाद आज हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स, सेल के कंपोनेंट। नंबर एक में है सेल कंपोनेंट, ध्यान से देखिए, सेल मेम्ब्रेन। इसे हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से देखिए, प्लांट एंड एनिमल, शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम टोटल पीडीएफ डाल देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे शॉर्ट में ही बनाए हैं और समझा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्लांट एक जगह पे व्यवस्थित एक फिक्स रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, एक जगह पे रहता है तो वहां से ही अपना टोटल चीज करता है, वो एक जगह पर अपना घूमते रहता है। एनिमल्स जो है सो मोटाइल है, वो चल घूम टहल सकता है, ठीक है। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन जो है तो दोनों में पाया जाता है, इसे हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, एक्टिव, पैसिव और बल्क ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के बारे में हम पीडीएफ डाल देंगे, यहाँ समझ गए। इसे परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रोटीन और लिपिड से ये बना होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। देखिए, प्रोटीन, लिपिड क्या होता है? लिपिड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना होता है, तो ये दोनों से, प्रोटीन और लिपिड, इस दोनों से बना होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे तो ये तो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। आगे देखिए, सेल वाल जो है ये लिख सकते हैं यहाँ पर ओनली प्लांट, सेल वाल प्लांट में पाया जाता है और ये सेलुलोज से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, सेल वाल सेलुलोज से बना होता है। तो एनिमल में सेल वाल पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, तो सेल वाल क्योंकि सेलुलोज प्लांट में ही रहता है तो एनिमल में ये नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं ओनली प्लांट, सेल वाल किसमें पाया जाता है? केवल प्लांट। और आगे हम आपको बता देंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक तीन प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके बारे में ये भी इसका डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ बनाकर डाल देंगे। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ से जो है एक एक करके पढ़ते चलेंगे। आप देखिए थोड़ा सा, सेल वाल एक डबल लेयर होता है, सेल वाल। अब ध्यान इधर समझते हैं, देखिए ये एक सिंगल लेयर अगर बना दिए, इसको क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। अब आप जैसे सपोज करिए मार्केट जाते हैं, एक थैला में अगर चार पांच चीज अगर दे देता है, छोटा छोटा चीज है, तो एक में ही लेकर हम लोग जा सकते हैं नहीं, और वह में बड़ा 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, ये सब अगर डाल दिया तो भारी हो जाएगा, तो एगो पॉलिथीन तो फट ही जाएगा, इसलिए डबल लेयर उसमें लगा दिया जाता है। तो ये सेल वाल का काम कर देता है, डबल लेयर। इसके डबल लेयर जो ऊपर से जो है, ये क्या है, सेल वाल है, इसको प्रोटेक्शन देता है। और सिंगल लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये भी प्रोटेक्शन देता है सभी ऑर्गेनेल्स, सेल के सभी ऑर्गेनेल्स। तो अब सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन में अंतर समझ गए, ये सिंगल लेयर होता है और ये डबल लेयर अगर हम डाल दें, ये मोटा सा होता है, सेलुलोज से बना होता है सेल वाल। अब आगे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज क्रेव्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनता है। अब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जाता है इंस्पिरेशन के द्वारा। इंस्पिरेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और फूड जो लेते हैं वो भी कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP बनता है, 38 ATP एनर्जी बना दिया। तो किसके द्वारा बनाया, ये क्रैब्स साइकिल के द्वारा 38 ATP बन गया, क्रैब्स साइकिल। इसीलिए इसे हम लोग ऊर्जा गृह बोलते हैं, ऊर्जा गृह, या इसे पावर हाउस कहिए, ऊर्जा गृह कहिए, एक ही बात है। पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। खोज किसने किया था, क्रैब्स नाम के साइंटिस्ट ने, क्रैब्स साइकिल के द्वारा ही। कितना ATP बनता है, 38 ATP, कहीं कहीं 36 ATP ही जाता है, लेकिन सही है 38 ATP। वो ज़्यादातर में आपको 38 ATP ही मिलेगा, 36 ATP दे देता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, इसलिए ध्यान रखिएगा यही सही है 38 ATP, 38 ATP बनता है। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, समझे। चलिए आगे, गोल्जी अपरेटस कहिए, गोल्जी किसका खोज किया था, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसका खोज किया था, कैमिलो गोल्जी ने। यहाँ लिख दे रहे हैं 1898 कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस का खोज किया था। और देखिए गोल्जी अपरेटस को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है, गोल्जी अपरेटस, इसमें प्रोटीन बनता है। और ये जो है एनर्जी को कैरी करने का भी काम करता है। आप सपोज करके हम बोल रहे हैं तो हमको ज़्यादा एनर्जी अभी कहाँ चाहिए, माउथ में चाहिए, माउथ में, और नहीं तो क्या हो जाएगा, एनर्जी यहाँ पर नहीं मिलेगा। गोल्जी अपरेटस अगर नहीं रहा तो एनर्जी यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि हम बोलते एक सुस्त पड़ जाएंगे। कोई रनर रहता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए, पैर में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो कोई ऐसा कंपोनेंट्स होना चाहिए ना कि एनर्जी को ढो के वहाँ पहुँचा सके। तो ये ढुलाई का काम, कैरी करने का काम कौन करता है, गोल्जी अपरेटस ही करता है। एनर्जी बना दिया, कौन एनर्जी बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तो एनर्जी बन गया, केवल उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, तो उपयोग करेगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, यहाँ लिख चुके हैं कैरी एनर्जी कौन करता है, गोल्जी बॉडी ही करता है। प्रोटीन फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को ही बोलते हैं। इसके बाद अगला आते हैं वैक्यूम्स। इसको रिक्ति काय बोलते हैं, खाली जगह, इसका मतलब होता है खाली जगह, इसमें वाटर स्टोर करने का काम होता है, वाटर स्टोर होता है। इसका खोज किए थे एस्प्लानजानी एंड दुरान जानते थे, इसका नाम थोड़ा सा लिखे हुए हैं हमें यहाँ पर, एस्प्लानजानी एंड डुजार्डिन, ये दोनों ने इसका खोज किया था। पहले एस्प्लानजानी ही इसका खोज किए थे, बाद में 1902 में डुजार्डिन भी इसके बारे में खोज किए थे। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूम्स इज स्टोर वाटर। हमारे बॉडी में 65% पानी होता है, तो 65% कहाँ पानी होता है, पेट में तो नहीं, जितना आज 4-5 लीटर दिन भर में लोग पानी पी लेता है वो तो निकल जाता है। ये वाटर स्टोर होता है वैक्यूल्स में ही वाटर स्टोर होता है। ठीक है, तो वाटर स्टोर का मेन काम करता है कौन, वैक्यूल्स। और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वैक्यूल्स जो है, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसको सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आगे आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं से समझते हैं। देखिए इसका डिस्कवरी एमिलो वेराटी ने किया था, कब, 1902 में, एमिलो वेराटी। और गोल्जी अपरेटस जो है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें दो पार्ट, एक होता है स्मूथ पार्ट, और दूसरा होता है रफ पार्ट। अब रफ पार्ट में राइबोसोम पोजेस होता है, रफ पार्ट से क्या पोजेस होता है, राइबोसोम रफ पार्ट से पूरा। राइबोसोम देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम बना, और राइबोसोम में रहता है प्रोटीन, राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो आपको ऐसा पूछ देता है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स ऑफ सेल है या ऑर्गेनेल्स है जिसमें
सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो सेल मेम्ब्रेन ये राइबोसोम में नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन किसमें नहीं होता है, राइबोसोम में, राइबोसोम में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। अब देखिए रफ पार्ट को हम लोग समझते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट में राइबोसोम बनता है, राइबोसोम में बनता है प्रोटीन, प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, तो राइबोसोम भी एक क्या है, ऑर्गेनेल्स ही है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है नहीं होता, एक यही है आपको सेल के अंदर जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। दूसरा है रफ पार्ट, रफ पार्ट में क्या बनता है आपको बताया, रफ पार्ट में फैट का निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है रफ पार्ट में। देखिए हमारा फैट जो है उसका काम क्या है, फैट हमारे स्किन को वार्म रखता है, स्किन ब्राइटनेस रखता है, चमकदार, और बॉडी को वार्म रखता है फैट ही। मेल के तुलना में फीमेल में 20% फैट ज्यादा रहता है, 20% फैट ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादा वार्म किसका बॉडी होगा, फीमेल का कि मेल का, फीमेल का ज्यादा बॉडी वार्म रहता है। और फिल्म इंडस्ट्री में जाके देखिएगा कहेगा हॉट लगता है, अरे हॉट क्या लगता है, वो तो दिखाने के लिए सारा, तो वो लोग का तो बॉडी का कमाई ही है, हॉट लगता है, एक छोटा छोटा कपड़ा पहन लेगा कहेगा हॉट लगता है, समझे, हॉट नहीं, ये फैट का कमाल है, ठीक है। 20% फैट फीमेल में ज्यादा होता है मेल के बॉडी, तो उसको देखिएगा शादी आके ठंडा के मौसम आ रहा है, ठंडा के मौसम में देखिएगा मेल जो होता है एकदम कोट पैंट जैकेट पहन ले रहेगा, फिर भी जो है उसको ठंडा से जो है शरीर कांपते रहता, और फीमेल जैसे एकदम एक पहन लेता है कपड़ा है पूरे जैसे एकदम छटक के रहता है, इधर से उधर घूमते रहती है, पता है क्यों, ये फैट का ही कमाल है, 20% फैट जो है सो फीमेल में ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू मेल। ओके ये समझ में आ गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब हम आगे बढ़ते हैं। Keep on going, yeah. Oh.